क्या आपको भी तुरंत इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए? जैसे कि मैंने इस पैक बनाकर तुरंत इंस्टेंट रिज़ल्ट आपके सामने शेयर करा है, और आप जब ये पैक लगाएंगे आप खुद देखेंगे कि तुरंत आपको बिना पेन हुए आपकी जो हेयर है वो सब गायब हो जाएंगे। तो चलो, मैंने बनाया इसको, इस पैक को कोलगेट के हेल्प से। कोलगेट आप सभी के घर में इजीली मिल जाता है, और नहीं भी मिलता है तो 10 रुपए की मार्केट में इजीली कोलगेट मिल जाती है। एक हम लेंगे एक छोटा सा कटोरी। अब हम ये जो कोलगेट है इसको मैं थोड़ा सा आपको बनाकर दिखा रही हूँ। आपको जितना चेहरे पे लगाना आप चेहरे पे लगा सकते हो, अपने हाथ या पैर में कहाँ लगाना उस क्वांटिटी में आप ले लेना। फिर मैं इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, गुलाब जल। गुलाब जल तो सभी के घर में ईजी कहीं ना कहीं से मिल जाता है। गुलाब जल आप इसके अंदर, हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक चम्मच भर के गुलाब जल, थोड़ा सा, क्योंकि गुलाब जल में कितनी अच्छी प्रॉपर्टी होती है वो सभी को पता होता है। और फिर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो हमें एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। हम इसके अंदर दो और इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि इस पैक को और अच्छे से अच्छा बना देगा। और हम जब इसको अप्लाई करेंगे ऑन द फेस, हम लोग जो दाढ़ी होती है उस पर अप्लाई करेंगे तो हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, वो भी इंस्टेंट रिज़ल्ट आएगा। तो आप इसी तरीके से कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे। और हम इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे फिटकरी। फिटकरी ईजिली कहीं ना कहीं घर में भी होती है, और नहीं तो बाज़ार में नॉर्मल बहुत आसानी से हमें फिटकरी मिल जाती है। तो इस फिटकरी को हम लोग बना लेंगे चूरा, और छोटा सा चूर्ण कर लेंगे, और फिर हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब बहुत अच्छी तरीके से इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिलाएंगे। आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको मिलाना है। और अब हम इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे खाने वाला सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है उसको हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और जैसे ही ऐड करेंगे वैसे ही ये रिएक्ट करेगा, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि यही रिएक्ट आपके स्किन में जल्द से जल्द हेयर को रिमूव करेगा। और इसको बहुत अच्छे से हमें इसको मिलाकर एक पेस्ट बना लेना है बहुत अच्छी तरीके से। आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छे फॉर्म तरीके से क्रीम बेस में ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और मैं इसको आपको लगा कर लाइव रिज़ल्ट दिखाऊँगी कि ये किस तरीके से काम करता है। और आपको भी इस तरीके का रिज़ल्ट चाहिए तो इस तरीके का बनाएं और यूज़ करें। अगर आपको इस तरीके की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और आगे देखते रहे। इसको बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हो थिक हो जाएगा और बिल्कुल क्रीम फॉर्म में हो जाएगा। तो चलो मैं आपको इसको लगा कर दिखाती हूँ कि ये काम कैसे करेगा। आप इसको देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रीम टेक्सचर में आ गया है, जो कि देखने में ये बिल्कुल थिक हो चुका है। जितना पानी जो था वो सारा हो चुका है गायब, और ये क्रीम फॉर्म में हो गया है। तो चलो मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। आप देख सकते हो मेरे फेस, मेरे जो पैर है इसमें बड़े बड़े बाल हैं, क्योंकि मैंने हाल में बहुत दिन पहले रेज़र कराया था, तो रेज़र हट जाने की वजह से हेयर में, पैर में बहुत सारे बाल अभी भी आ गए हैं। बट इस बार मैं सोच रही थी ये DIY क्रीम से मैं अपने जो भी लेग के जो बाल है उसको मैं हटाऊं, तो मैंने अपने लेग में पूरे अच्छे तरीके से हल्का हल्के नीचे करते हुए मैंने इसको लगा लिया है। उसके बाद फिर मैंने अच्छे तरीके से बड़ा थोड़ा देर आपको छोड़ दिया है मैंने इसको, और फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा क्यों मैं अपने पूरे पैर में लगा लूँ, तो मैंने अच्छे तरीके से अपने पूरे पैर में लगा लिया इसको। और यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा, कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको इसको छोड़ना है। 10-15 मिनट के बाद मैंने एक साफ़ कॉटन का कपड़ा लिया है और इसको ऊपर डायरेक्शन की तरफ मैं खींचते हुए ले गई, तो देख सकते हो कपड़े में बहुत अच्छे तरीके से बाल आ गई है। अब मैं एक और बार आपको करके दिखाती हूँ, तो बहुत सारे बाल निकलने लग गए हैं। आपको अच्छे तरीके से आप देख सकते हो इसमें आ गई है। अब मैं आपको अच्छे तरीके से साफ़ जगह से मैं आपको अच्छे से और दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ ये कपड़ा बिल्कुल साफ़ है, और दूसरी तरफ से मैं उसको ऊपर करूँगी तो आप देख सकते हो हेयर रिमूव हुआ है, कपड़े में हेयर आ चुका है। और ये पूरा लाइव रिज़ल्ट है, ऐसा रिज़ल्ट कोई DIY नहीं देता है। और इतना अच्छा हुआ कि मैंने इसको वॉश करा, और आप देख सकते हो मेरे फेस में जितना मेरा लेग है इसके अच्छे से बाल निकल गए हैं। इस पेस्ट को आपको कम से कम, अगर आपकी हेयर ग्रोथ हो रही है तब आपको लगाना है, जब आपको फेस में या तो पैर में कहीं भी हेयर आ रही है, अनवांटेड हेयर, तो बनाओ और लगाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर ले। मिलते हैं, बाय।